नमस्कार दोस्तों, हिंदी शिक्षण में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम व्यंजन संधि पढ़ रहे थे। व्यंजन संधि में नेक्स्ट संधि पढ़ेंगे आज, जिसको संस्कृत में छत्व संधि भी बोलते हैं। उसका नियम है, प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर स्वर हो और अंतिम शब्द का प्रथम अक्षर छह हो। प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर स्वर हो, कोई भी स्वर हो, और अंतिम शब्द का प्रथम अक्षर छह हो, तो चे का आगम हो जाता है। स्वर रहित चे का आगम हो जाता है। स्वर रहित चे का आगम हो जाता है, जैसे अनु, धन, छेद। अनुधन छेद प्रथम शब्द है, इसका अंतिम अक्षर जो क्या है, उ है। अंतिम अक्षर उ है और अंतिम शब्द का प्रथम अक्षर छ है, तो इसके मध्य में चे का आगम हो जाएगा। स्वर रहित चे का आगम हो जाएगा तो शब्द बनेगा अनुच्छेद। अनुच्छेद संधि युक्त शब्द बने। नेक्स्ट है, जैसे परी धन छेद। परिधन छेद प्रथम शब्द का अंतिम स्वर ई है, रे में ई की मात्रा है। हमेशा ध्यान रखिए, किसी भी व्यंजन में यदि हलंत नहीं है और उसमें मात्रा दिखाई नहीं दे रही है, जैसे के, इसमें हलंत भी नहीं है और मात्रा भी दिखाई नहीं दे रही है, तो मान लीजिए इसमें क्या स्वर है, के धन है। इस प्रकार से इसका वर्ण विन्यास करते हैं। और हलंत नहीं है, मात्रा दिखाई देती है, जैसे की है, तो हमेशा इसका वर्ण विन्यास अलग करेंगे, तो पहले लिखेंगे व्यंजन और बाद में लिखेंगे की। इस प्रकार से वर्ण विन्यास करेंगे, ये ध्यान रखना है। एक बार फिर, कोई भी व्यंजन वर्ण है उसमें हलंत नहीं है और उसमें मात्रा भी नहीं दिखाई देती है, तो उसमें ए स्वर विद्यमान होता है। नेक्स्ट, जिस व्यंजन वर्ण में मात्रा दिखाई देती है उसका वर्ण विन्यास करने के लिए हमें पहले व्यंजन लिखना होगा, फिर स्वर लिखना। तो समझ गए होंगे आप, परी, अब रे पहले और बाद में ई। वर्ण विन्यास करके देख लीजिए, पे धन ए धन रे धन ई। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है ई, और अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, छे, तो बीच में चे का आगम हो जाएगा। शब्द बनेगा परिच्छेद। नेक्स्ट उदाहरण और देखिए, द्विधन छेद। द्विधन छेद अब यहां पर अंतिम वर्ण क्या है, ई, और इधर छे, तो चे का आगम हो जाएगा, स्वर रहित चे का। आंसर होगा विच्छेद, आंसर होगा विच्छेद। नेक्स्ट है आ धन छादन। आ धन छादन, जो प्रथम वर्ण है वो आस्वरी है और अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण छह है, तो इसके मध्य में स्वर रहित चे का आगम हो जाएगा रूल के अनुसार, तो लिखेंगे आच्छादन। इस प्रकार से आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट है, जैसे तरु धन छाया। तरु धन छाया, तो रे में उ की मात्रा इस प्रकार, और आगे छह है, तो बीच में चे का आगम हो जाएगा, स्वर रहित चे का आगम, तो आंसर लिखेंगे तरु आधा चे और छाया तरु छाया। इस प्रकार से आंसर होगा। शायद ये संधि नंबर 19 है। नेक्स्ट संधि
शायद 19 नंबर है, वैसे तो आप संधि क्रम से पढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से हम ये संधि करते हैं, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण स्वर हो और अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण छह हो तो इनके मध्य में स्वर रहित चय का आगम हो जाता है। नेक्स्ट संधि देखिए, ए आ के अतिरिक्त अन्य स्वर हो, अन्य कोई भी स्वर हो, और इधर इधर से हो, कौन सा ये से, इसको दंते से भी बोलते हैं, ये से हो, तो क्या होगा, इस से के स्थान पर मूर्धन्य से, मूर्धन्य से हो जाएगा, मूर्धन्य से आदेश हो जाएगा। प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण है वह ए आ के अतिरिक्त अन्य कोई स्वर, और अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण से दंते हो, से सकार हो, से हो, तो से के स्थान पर मूर्धन्य से बदल जाता है। जैसे परिधन शब्द, परिधन शब्द, परिधन शब्द, अब देखिए यहां पर ई है, ए आ के अतिरिक्त अन्य कोई स्वर, यहां पर ए आ नहीं है, ई है, और इधर से है, तो इस से को हम इस से में बदल देंगे, ये से आदेश हो जाएगा, यहां पर इस से के स्थान पर ये से मूर्धन्य से आदेश हो जाएगा, तो संधि होगी परिषद, परिषद संधि होगी परिषद। नेक्स्ट प्रति धन सिद्ध, प्रति धन सिद्ध, ते में क्या स्वर है, ई स्वर है, हमारा नियम है ए आ के अतिरिक्त अन्य कोई भी स्वर, तो ए आ के अतिरिक्त अन्य स्वर है ई, और इधर क्या है से, तो इस से के स्थान पर आदेश होगा, आदेश होगा मूर्धन्य सकार, मूर्धन्य सकार, तो संधि बनेगी प्रति सिद्ध, प्रति सिद्ध, ये संधि बनेगी प्रति सिद्ध। नेक्स्ट है सुधन समा, सुधन समा, तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, उ, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण उ है, और अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, से, दंते से, तो ये मूर्धन्य से में बदल है, मूर्धन्य से में आदेश हो जाएगा, तो संधि होगी सु और शे मा, सुषमा, इस प्रकार से संधि होगी। नेक्स्ट उदाहरण नी धन सिद्ध, नी धन सिद्ध, नी धन सिद्ध, तो यहां पर प्रथम वर्ण का अंतिम स्वर क्या है, ई, यहाँ के अतिरिक्त अन्य कोई भी स्वर हो तो ई है, और इधर दंते से है, ये दंते से के स्थान पर मूर्धन्य से आदेश हो जाता है, मूर्धन्य से आदेश, इस नियम के अनुसार तो लिखेंगे निषिद्ध, निषिद्ध, इस प्रकार से संधि होगी निषिद्ध। नेक्स्ट उदाहरण विषम और सुसुप्त, विषम और सुसुप्त, प्रथम
शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? ई। और इधर क्या है? दंते शकार। तो दंते शकार के स्थान पर मूर्धन्य शकार आदेश हो जाता है। तो क्या लिखेंगे आंसर? वी शे। इस से के स्थान पर ये से लिखेंगे और मैं, बनेगा विषम। नेक्स्ट उ है, इधर ए आके अतिरिक्त अन्य कोई स्वर तो उ, और इधर दंते शकार है तो दंते शकार के स्थान पर ये मूर्धन्य शकार आदेश हो जाता है। लिखेंगे सु और सुप्त, सुसुप्त। नेक्स्ट है वी धन से, वी धन से। अब देखिए वे में कौन सा स्वर है? ई स्वर है, ए आके अतिरिक्त अन्य स्वर ई, और इधर दंते शकार, दंते शकार। तो ये दंते शकार मूर्धन्य शकार में बदल जाता है, इसमें आदेश हो जाता है। तो हमारी संधि होगी वी शय विषय। तो इस प्रकार से संधि नंबर 20 इस प्रकार से हम करेंगे। बहुत ही सरल है, केवल हमें ये याद रखना है कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ए आके अतिरिक्त अन्य कोई भी स्वर हो, और अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण ये दंते सकार हो, दंते सकार। तो ये है दंते सकार मूर्धन्य सकार में आदेश हो जाता है, मूर्धन्य सकार में आदेश हो जाता है, अर्थात इस से के स्थान पर ये से हो जाता है, इस से के स्थान पर ये से हो जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट संधि और देखिए, बहुत ही सरल है। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ई हो या ऊ हो, और अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण दंते शकार और थकार, दंते शकार और थे, दंते हैं ये हो। तो इस शकार के स्थान पर मूर्धन्य शकार आदेश हो जाएगा और यहां पर थे आदेश हो जाएगा, मूर्धन्य शकार और ठे आदेश हो जाएगा। जैसे अनु धन स्थान, अनुधन स्थान। हमारी संधि का रूल है कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ई हो या ऊ हो, और अंतिम शब्द में शकार स्वर रहित या स्वरयुक्त और ठे हो। तो यहां पर स्वर रहित है तो यहां पर भी हम स्वर रहिती ही लिखेंगे, यहां पर भी स्वर रहिती लिखेंगे। तो देखिए यहां पर उ है और इधर ये शकार आया और ये थे आया, तो इस शकार के स्थान पर तो हम करेंगे ये शे, इस शकार के स्थान पर ये शे और थे के स्थान पर ठे करेंगे। तो संधि करेंगे अनु मूर्धन्य शकार आधा और थे के स्थान पर ठे और आकी मात्रा अनुष्ठान, संधि हो जाएगी अनुष्ठान। नेक्स्ट है प्रतिधन स्थान, प्रतिधन स्थान। तो देखिए प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? ई, और अंतिम शब्द में आधा शे और थे है, तो ये चेंज हो जाएंगे मूर्धन्य शकार और ठे में, संधि होगी प्रति दंते शकार के स्थान पर मूर्धन्य शकार और ठे के स्थान पर ठे आकी मात्रा ने, हो गया प्रतिष्ठान, हो गया प्रतिष्ठान। नेक्स्ट प्रति धन स्थापन, प्रतिधन स्थापन। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? ई, और यहां पर शे और थे है, तो ये से मूर्धन्य सकार में और ये थे में बदल जाएगा, संधि होगी प्रति आधा शे और थे में आकी मात्रा प,
फैन है, तो शब्द बना प्रतिष्ठापन, प्रतिष्ठापन शब्द बना। नेक्स्ट उदाहरण, जैसे युधि धन स्थिर, युधि धन स्थिर, जो युद्ध में स्थिर हो उसको बोलते हैं युधि धन स्थिर। तो यहाँ पर ई है और यहाँ पर दंते सकार और थे है, तो दंते सकार और थे मूर्धन्य सकार और ठे में बदल जाते हैं, मूर्धन्य सकार और ठे आदेश हो जाते हैं, तो लिखेंगे युधि और आदाशे और फिर युधिष्ठिर। युधिष्ठिर का मतलब जो युद्ध में स्थिर होता है उसको युधिष्ठिर कहते हैं। तो इस प्रकार से संधि नंबर 21। अब नेक्स्ट संधि है, यदि मूर्धन्य सकार के बाद में ते और थे हो, नंबर 22। यदि मूर्धन्य सकार के बाद में ते और थे, मूर्धन्य सकार के बाद में ते और थे हो, तो ये ते और थे ते ठे में परिवर्तित हो जाते हैं, ते और ठे, ते और ठे में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे उदाहरण है इस धन ते, इस धन ते, तो देखिए संधि के नियम के अनुसार मूर्धन्य सकार, मूर्धन्य सकार के बाद में क्या आया, ते आया, तो इस ते के स्थान पर क्या करेंगे, ते, तो संधि बनेगी इष्ट, संधि बनेगी इष्ट। नेक्स्ट, जैसे वृष धन ती, वृष धन ती, तो मूर्धन्य सकार के बाद में ते, तो इस ते के स्थान पर क्या होगा, टे, संधि होगी वृष्टि, वृष्टि, संधि होगी वृष्टि। नेक्स्ट, उत धन कृष धन ते, उत धन कृष धन ते, तो मूर्धन्य सकार के बाद में ते आया, तो इसके स्थान पर ते आदेश होगा, तो संधि होगी उत्कृष्ट, उत्कृष्ट, संधि होगी उत्कृष्ट। नेक्स्ट, आ धन कृष धन ते, सॉरी, आ धन कृष धन ते, तो मूर्धन्य सकार के बाद में ते आने पर ते बन जाता है, तो इसका होगा ते, तो संधि होगी आकृष्ट, संधि बनेगी आकृष्ट। नेक्स्ट, शश धन थे, शश धन थे, तो थे के स्थान पर आदेश होगा ठे, तो षष्ठ, संधियुक्त शब्द बनेगा षष्ठ, संधियुक्त शब्द बनेगा षष्ठ। नेक्स्ट, जैसे तुष धन थे, तुष धन थे, तो थे के स्थान पर थे आदेश होगा, संधियुक्त शब्द बनेगा तुष्ट, संधियुक्त शब्द बनेगा तुष्ट। नेक्स्ट, प्रिष धन ते, प्रिष धन ते, तो मूर्धन्य सकार के बाद में ते, तो यहां पर ते आदेश हो जाएगा, तो संधियुक्त शब्द बनेगा प्रिष्ट। दोस्तों, इस प्रकार से ये छोटी छोटी संधियां हैं, लेकिन बड़े ही उपयोगी हैं। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। दोस्तों, धन्यवाद।